पेशे हक मुज़दा शफ़ात या रसूल अल्लाह। आपका अगर दिल कहे कि सुभान अल्लाह कहना चाहिए तो आपकी मर्जी, और आपको जहां महसूस हो कि मुझे नेकियां चाहिए, मुझे नेकियों की जरूरत है, तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे। पेश करता हूं, सुने। पेशे हक मुज़दा शफ़ात का सुनाते जाएंगे। मैदाने महशर कायम होगा जब किसी का कोई पूछने वाला ना होगा। उस वक्त हम गरीबों के आका किस कदर काम आएंगे, हमें आला हजरत बताते हैं। पेशे हक मुज़दा शफ़ात का सुना हक मुज़दा शफ़ात का सुनाते जाएंगे के पेशे हक मुज़दा शफ़ात रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे। नारे रिसालत कलामे आला हजरत। अगर आपके पास जबान जैसी दौलत है, अगर बोलने की सलाहियत है और बोलने की ताकत है, अल्लाह ने आपको जबान जैसी दौलत अता की है। वरना आवाज जैसी दौलत, बोलने की दौलत क्या चीज है कि गूंगे से आप जाके जरा पता कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने हमें जबान जैसी दौलत अता की है, बोलने की कुव्वत अता की है। अगर आप चाहते हैं कि हुजूर का जिक्र करना ये बहुत बड़ा सवाब का काम है, तो मेरे साथ मिलकर के पढ़ ले, ताकि पढ़ने वालों में भी आपका नाम आ जाए। आप रोते जाएंगे आका, हमको हंसाते। आप सुन रहे हैं रूहानी नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। आप रोते जाएंगे, हमको जाएंगे दिल निकल कल जाने की जा है। आह किने आँखों से वो दिल निकल जाने की जा है। आह किने आँखों से वो
आपने आँखों से वो। अरे हम से प्यासों के लिए आका, हम से प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे हम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फिक्रे आखिरत कॉन्फ्रेंस, भाई मोहतरम अजमत रजा भागलपुरी। दरिया बहाते जाएंगे हम से प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। और एक शेर पढ़ता हूँ समाज। मैंने पहले ही कहा कि आपकी मर्जी सुभान अल्लाह कहने की। शेर सुनाता हूँ, सुनिएगा। आला हजरत अकीदा देते हैं क्या क्या सुने। या रसूल अल्लाह, हश्र तक तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धो। जुलूस निकालते हैं, निकालते हैं तो इतनी हल्की आवाज में कौन बोलता है जो बहुत दिन से भूखा होता है, है कि नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि खा पी कर आए, जरा हल्की आवाज बुलंद हो। जुलूस निकालते हैं, आला हजरत ने अकीदा दिया क्या। हश्र तक तक डालेंगे हम पैदा इशे मां हो, के हश्र तक डाले हमें पैदा इशे माला के धो। मिसल फारस नजे देखे किले गिरा दे जा سنت فیضان اعلی حضرت فکر آخرت کانفرنس علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ علماء اہل سنت آپ کے اس عظیم الشان ناظم اور بانی جلسہ کا خوبصورت انتخاب خطیب الملک حضرت العلامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ کی خوبصورت حاضری ممبر شریف پر ہو رہی ہے پورا مجمع محبت سے استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت فکر آخرت کانفرنس आप लोग जब आ ही गए हैं तो करीब से बैठकर सुन लीजिए।
क्योंकि आपका हौसला अलग है, जरा करीब होकर बैठ जाए तो बड़ा लुत्फ आएगा, क्योंकि जलसे को आपने मेहनत से सजाया है तो आपका हक बनता है कि आप बैठ कर सुने, है कि नहीं? जरा मोहब्बत से एक मर्तबा मेरे साथ मिलकर के पढ़ लें, आप रोते जाएंगे हमको जाएंगे हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम के हश्र तक डालेंगे गम مصر فارس نجد کے قلعے گرا دے جائیں گے مصر فارس نجد کے قلعے گرا دے جائیں گے پڑھیے آپ رو اللہ کا شکر ہے کہ دھیرے دھیرے آپ کی آواز نکل رہی ہے مکمل طریقے سے نعت پاک پڑھنے سے بہت ساری برکتیں حاصل ہوتی ہیں ذرا محبت کے ساتھ پڑھ لیں یار یہ آواز جب حضور کے صدقے میں ملی ہے تو پھر کیوں نہ حضور کے ذکر میں ہم آواز کو بلند کریں ذرا محبت سے آپ روتے ہم کو جائیں گے اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا 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 جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا دے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا دے جائیں گے ذرا محبت سے آ ہم کو جائیں گے جائیں گے یا رسول اللہ یا حبیب